चलिए, व्हाट इज हाउलाइट? देखिए हाउलाइट ना एक बहुत मजेदार क्रिस्टल है। क्रिस्टल का कलर देखते ही आपको समझ आएगा कि कलर बताइए किससे हम इसको कनेक्ट करेंगे। अपरचक रास, ठीक है, मून से कनेक्ट करते हैं। हाउलाइट इज फॉर डिविनेशन, डिवाइन क्रिस्टल है। अपर थ्री चक्रास लाइक थ्रोन, आग्नेय एंड क्राउन चक्र, ये तीनों चक्रा से रिलेटेड होता है। इट इज टू ओपन ऑल दीज चक्रास एंड वर्क विद दीज चक्रास। अब आप ये जो हाउलाइट देख रहे हैं, इसके आप इसका कलर और इसका फॉर्मेशन देखिए। एक और क्रिस्टल होता है टर्कोइज, है ना, सब जानते हैं टर्कोइज। टर्कोइज किसने पहन रखा है? सलमान खान ने, उसका ब्रेसलेट पहन रखा है। टर्कोइज एक बहुत जबरदस्त प्रोटेक्टिव क्रिस्टल है, उसके तलिस्मान बनते हैं और मुस्लिम कंट्रीज में बहुत ज्यादा उसको माना जाता है। लेकिन टर्कोइज इज नॉट वेरी वेरी इजीली अवेलेबल, बिकॉज मुस्लिम कंट्री में उसका इतना ज्यादा उसकी मानता है, तो वहां पे वो कंज्यूम हो जाता है, उसकी डिमांड बहुत हाई है। तो इंडिया में वैसे भी टर्कोइज जो है शायद इंडिया में नहीं बनता है। टर्कोइज इसकी अवेलेबिलिटी इतनी ज्यादा नहीं है, तो क्या करते हैं, ये जो हाउलाइट है ना, हाउलाइट को डाई कर देते हैं टर्कोइज के कलर में, क्योंकि टर्कोइज के वेन्स और हाउलाइट के वेन्स दोनों सेम है। तो क्या डाइड हाउलाइट, ठीक है, और हाउलाइट रॉ इसलिए मिलेगा ही नहीं क्योंकि वो डाई हो के टर्कोइज बन जाता है। हाउलाइट की ये कहानी है। और लेकिन हमें में बहुत डिवाइन क्रिस्टल है, तो टर्कोइज डाइंग से बनता है, नॉट कॉस्टली एंड इज वेरी सॉफ्ट। हाउलाइट इतना कॉस्टली नहीं होता, और हाउलाइट बहुत सॉफ्ट क्रिस्टल है। सॉफ्ट इन द सेंस ऑफ फिजिकल एंड मेटाफिजिकल दोनों। फिजिकली तो सॉफ्ट होता ही है, मेटाफिजिकली इट इज वर्किंग वेरी सॉफ्टली ऑन अपर चक्रास। बहुत सटल एनर्जीज होती है, फाइन सटल, जैसे घर में किचन दूर है, ठीक है, वहां पे कुछ बन रहा है, आपको स्मेल आ जाती है। किचन में कुछ कुक हो रहा है और आपको दूर बैठे हुए स्मेल आ गई, तो वो क्यों आती है? बिकॉज वो चीज वॉलेटाइल होती है, वो बहुत बहुत फाइन होती है, एंड इट गो इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन, वो आपको पता चल जाता है। वो ऑल्फैक्टरी इतना ज्यादा होता है, आपकी नोज में जाके इतना ज्यादा काम करती है कि आपको पता चल जाता है कि आपको कुक हो रहा है, ठीक है। ये जो हाउलाइट है ना, वो ऐसी क्रिस्टल है, दूर रखा है ना, अगर आपने इसको प्रोग्राम कर रखा है ना, दूर रखा है, उसको पता चल जाएगा, उसकी सारी एनर्जी आपके अंदर काम करने लगेगी। इतनी सटल, इतनी फाइन एनर्जी से इसके वो इतना फाइन वाइब्रेशन पे वाइब्रेट करता है। हाउलाइट इतना प्यारा क्रिस्टल है, इसकी सॉफ्टनेस इतनी एनर्जी में है कि वो बहुत इजीली आपकी ना चीजों को पेनिट्रेट करके हील कर देगा। सुमित जी, जैसे आपने मेमोरी के लिए बात की थी, आप मेमोरी के लिए हाउलाइट को यूज कीजिए, ठीक है, अमेजिंग क्रिस्टल, यू विल बी इन लव विद हाउलाइट, आप उसके फैन हो जाएंगे हाउलाइट के, मतलब आप हाउलाइट को छोड़ेंगे ही नहीं। एक तो देखने में इतना ब्यूटीफुल है ये, ठीक है, फिर डंबल फॉर्म में आता है, पिरामिड, बीड्स एंड ब्रेसलेट, लेकिन बहुत, हाँ मैम, जी ये जैसे आपने बताया कि एनर्जी बहुत सॉफ्ट है, और जैसे आपने बताया एक बहुत सॉफ्ट एनर्जी है मैम, जैसे ये डिस्टेंस से ये वाला क्रिस्टल दूर से भी वर्क करता है, बाकी क्रिस्टल्स हम लोग अपनी ऑरा में रखते हैं, आपका ये मतलब है कहने का, नहीं मतलब नहीं इसका नहीं कुछ और नहीं? नहीं नहीं मैम, इसका मतलब ये है कि कुछ क्रिस्टल्स ऐसे होते हैं कि जैसे अब आप किसी और रूम में बैठे हैं, जैसे हमें इसका इफेक्ट चाहिए होता है, राइट। अगर हम कुछ कुछ रूम्स में क्रिस्टल रखते हैं, कि सपोज हमने एमेथिस्ट रखा, एमेथिस्ट का जियोड रखा एक रूम में, वो पूरे रूम के लिए काम कर रहा है। आपने हाउलाइट रखा ना, पूरे घर को अपने, मतलब पूरे घर में काम करेगा, किसी भी कोने में बैठे होंगे, इट विल वर्क फॉर यू इन ईच एंड एवरी सेंस। वो उसकी बहुत फाइन एनर्जी होती है, बारीक वेवलेंथ उसकी इतनी फाइन, वो एकदम जाके पेनिट्रेट करेगा, कहीं भी जाएगा, जितनी छोटी वेवलेंथ होती है उसकी स्पीड इतनी ज्यादा होती है ना, जितनी छोटी वेवलेंथ होगी उसकी स्पीड ज्यादा होगी, बहुत जल्दी जबरदस्त ट्रेवल करता है मैम, फाइनली। ये मतलब मैम दूर से भी रख के आप उसको प्रोग्राम करके रख सकते हो, बाकी क्रिस्टल्स जैसे हम अपनी ऑरा में जैसे अगर रखते हैं। हमें, हम अपनी ऑरा में रख के हीलिंग करते हैं क्रिस्टल्स को, हम यस अपनी ऑरा में रख के हीलिंग करते हैं कई बार, इसको आप दूर भी रख के हीलिंग, वैसे तो हम डिस्टेंस हीलिंग करते ही करते हैं,
ठीक है, अगर आप फिजिकल हीलिंग की बात करें, अगर फिजिकली अगर हम हीलिंग चाहते हैं, आप इसको कहीं भी किसी भी कॉर्नर में रख दीजिए, ये आपकी हीलिंग 24 घंटे इतनी फाइनली करेगा बहुत अच्छे से, मतलब इसकी बहुत फाइन या बहुत फाइन इसकी और वाइब्रेशन बहुत अच्छा। मैम इसको हेयर के लिए भी प्रोग्राम कर ले मैम, ये दूर से भी कर देगा। मैं यही सोची थी आज आप लोगों ने वो क्वेश्चन, मतलब वो हमारी बात हुई जो रिलेटेड है इस क्रिस्टल से, लाइक सुमित जी ने ब्रेन की बात की और आपने हेयर की बात की, तो रिलेटेड है इस क्रिस्टल से। अच्छा ये टंबल्स में मिल जाएगा, पिरामिड में, बीड्स में, ब्रेसलेट में, इसलिए ये रॉ में नहीं मिलेगा क्योंकि वो डाई हो जाता है। रशिया इसका सोर्स है, मोस्टली रशिया से ये आता है। बेसिक वाइब्रेशन इज इनर पीस स्टेज ऑफ एक्सेप्टेंस, इनर पीस रिलेटेड टू अपर चक्रास, अंदर की शांति। मेडिटेशंस में आप बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं। और जब यू नीड इनर पीस, आपको कहाँ कब चाहिए होता है, हमेशा ही चाहिए हमें, तो थर्ड आई पे मोस्टली ज्यादा काम करता है, डेवलपिंग ऑल द साइकिक एबिलिटीज। इफ यू वांट टू डेवलप योर साइकिक एबिलिटीज तो ये एक अलग ही तरीके से काम करेगा। अभी हम जब इसके साथ मेडिटेशन करेंगे तो आप देखिएगा कि क्राउन चक्र पे वाइब्रेशन होगा। दिस क्रिस्टल इज ऑल्सो वेरी गुड फॉर सेल्फ एक्सेप्टेंस, अपने आप को एज इट इज एक्सेप्ट करना, एंग्जाइटी, स्ट्रेस, एंगर मैनेजमेंट, इन सब में काम आता है। और आजकल की ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स हैं, एंग्जाइटी, स्ट्रेस एंड एंगर मैनेजमेंट, है ना। व्हेन थिंग्स गो अगेंस्ट अवर विशेस, एंग्जाइटी हो जाती है, स्ट्रेस हो जाता है, एंगर आ जाता है, एंड मोस्ट ऑफ द थिंग्स इन अवर लाइफ आर गोइंग अगेंस्ट अवर विशेस। तो ये हमें एक्सेप्टेंस देगा और इन सब चीजों से दूर करेगा, नेचुरली पीसफुल स्टेट। मतलब आपको ना फोर्सफुली अपने अंदर वो पीसफुल स्टेट नहीं लानी पड़ेगी, पीस आ जा, अभी पीस आया, आया आ गया, नहीं ऐसे नहीं होगा। इसके अंदर यू जस्ट होल्ड इट एंड यू विल जस्ट लव इट, लव होल्डिंग इट, एंड पीस अपने आप आएगा, ठीक है। फोर्सफुली इंड्यूस नहीं करना है। सॉर्टिंग आउट थॉट्स, मतलब जब कंफ्यूजन से आपको, आपकी कंफ्यूजन्स को दूर करके आपके थॉट्स को कैटेगराइज कर देता है कि अच्छा अभी ये काम इस वक्त, ये काम इस वक्त, अब मुझे ये करूंगा, सबसे पहले ये, फिर ये, फिर ये, आई एम डन। चीजों को प्रायोरिटाइज कर देगा कि पहले क्या करना है, फिर बाद में क्या करना है, फिर बाद में क्या करना है, सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या है। ये हमें ना लेवल आराम से सेल्फ एक्सेप्टेंस रिलीफ, ओके, थिंकिंग रिलेटेड प्रॉब्लम्स, हीलिंग रिलेटेड, हीलिंग ऑफ द अपर चक्रास, थॉट, मल्टीपल थिंकिंग, इमोशनल एंग्जाइटी, स्ट्रेस, वही फॉर किड्स डाइवर्टेड इनटू मल्टीपल थिंग्स, बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये प्रायोरिटाइज करता है। जो बच्चे बहुत सारी आजकल क्या है, सब लोग ये भी करना है, वो भी करना है, आप ये भी कर लो, ये भी कर लो, क्या इंपॉर्टेंट है भैया, आप क्या करना चाहते हो लाइफ में, कहीं तो जाके सेटल हो, तो किड्स डाइवर्टेड इनटू मल्टीपल थिंग्स, वो उनको बताएगा बहुत इंपॉर्टेंट है ये। जैसे हम देते हैं बच्चे जब 8th क्लास में आ जाते हैं, 8th स्टैंडर्ड में आ जाते हैं, नाउ वो उनका ना डिसाइड करने का टाइम होता है, उनकी लाइफ में क्या प्रायोरिटीज हैं, उससे वो क्या स्ट्रीम करेंगे आगे सेलेक्ट, राइट। तो ये एक तो उनको एक पीसफुल स्टेट में रखता है और साथ में गाइडेंस, उनके अपने एक इनर गाइडेंस होती है कि उनके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, क्या वो ज्यादा उनको अच्छा लगता है, तो दे कैन डिसाइड देयर स्ट्रीम्स, आगे लाइफ में कौन सा प्रोफेशन उनको चूज करना है। तो इट इज वेरी गुड क्रिस्टल्स फॉर किड्स अबव 8th स्टैंडर्ड। मतलब आप जो जो स्टेप्स बोल रहे थे मैं उससे पहले वो कर रही थी, पता नहीं क्यों, जैसे आपने बोला कि आप थोड़ा सा ना आप हिंदी में मत बोला करो, आई गॉट कंफ्यूज बिटवीन द चक्रास, देन समहाउ आप अपने आप ही हो रहा था, मुझे नहीं पता आप क्या बोल रहे थे, बट इट वॉज हैपनिंग। जैसे ही आपने बोला कि आप थर्ड आई पे करो, उससे पहले ही मेरा कनेक्शन हो गया था, और जब आपने वो चक्र बोला करने के लिए, वो मतलब मुझे नहीं समझ में आ रहा था आप क्या बोल रहे हो, बट इट वॉज हैपनिंग, आई डोंट नो हाउ, समहाउ इट वॉज हैपनिंग। और लास्ट में जब आपने बोला कि वापस थर्ड आई पे आओ, तो उसके बाद आई फेल्ट वेरी स्ट्रॉन्ग ओवर हियर, जैसे शुरू में इतना फोकस नहीं था मेरा, पर जब लास्ट में आया तो इतना फोकस हो गया कि मैं मुझसे हटा नहीं पा रही थी। जी जी बहुत अच्छा, बहुत अच्छा मैम, ये फोकस के अब अपर एनर्जीज के लिए ना हमारी बहुत अच्छा है। देखिए कुछ लोअर एनर्जीज के लिए, कुछ मिडवे एनर्जीज के लिए, अभी अपर एनर्जीज के लिए। अपर एनर्जीज सारी हमारी क्या होती है, हम लोग डिवाइन से कनेक्टेड होते हैं,
डिवाइन से कब कनेक्ट होते हैं, जब आपको डिवाइन से बात करनी होती है, अपनी बात उन तक पहुंचानी होती है और उनसे कुछ गाइडेंस। जब हमें संसार से कुछ गाइडेंस नहीं मिल पाती, जब हम खो जाते हैं संसार में, तो फिर हम ऊपर की तरफ देखते हैं, तो ये चीज हमें ऊपर से कनेक्ट करती है, गाइडेंसेस को बहुत क्लियर करती है और हमें बहुत पीस देती है, हमें अपने सोल यू नो सोल बॉडी में लेकर आती है। एंड द नेचर ऑफ अवर सोल बॉडी इज लव लाइट एंड पावर। द फीलिंग यू आर फीलिंग राइट नाउ इज द नेचर ऑफ अवर सोल बॉडी। नेक्स्ट टाइम अगर मुझे गाइडेंस चाहिए हो तो मैं इससे पकड़ के अपना आई कैन यस क्योंकि एक्चुअली ना डूइंग मेडिटेशंस विद दिस दीस क्रिस्टल्स आप लोगों की अट्यूनमेंट हो रही है इन क्रिस्टल्स में। आप धीरे धीरे क्रिस्टल वर्ल्ड से अट्यून होते जा रहे हैं, फैमिलियर होते जा रहे हैं, तो डू इट लाइक दिस। ठीक है, थैंक यू फॉर द एक्सपीरियंस, इट वाज ग्रेट। जी एमी जी। जी मैम। जी बताइए। बहुत रिलैक्स फील हुआ मैम, और पूरी व्हाइट लाइट से फुल बॉडी कवर दिखी, यहाँ चक्र एकदम बड़ा दिखा जी, बहुत अलग एक्सपीरियंस था। राइट मैम, ये हीलिंग बहुत लगी, एकदम ही शांत। और मैम जब हीलिंग करते हैं हम लोग, जब हीलिंग वर्ल्ड में है, तो वी नीड टू बी इन वेरी पीसफुल स्टेट, न्यूट्रल स्टेट में हमें हमेशा होना चाहिए, और हायर वाइब्रेशनल स्टेट में होना चाहिए, जिससे हमारी कनेक्टिविटी सिर्फ हायर वर्ल्ड से हो। बिकॉज एज आई टोल्ड यू देयर आर सो मेनी वर्ल्ड्स, लोअर वर्ल्ड्स भी होते हैं, मिडवे भी होते हैं, लेकिन हमें हमेशा अपनी कनेक्टिविटी हायर वर्ल्ड से ही करनी होती है। तो दिस इज द वे वी आर कनेक्टेड टू द हायर वर्ल्ड ओनली, तो वो बहुत सेफ होता है हमारे लिए। बिकॉज ऑलरेडी जो हम लोग ये जो सब परेशानियां हमारे साथ आ रही है, तड़प रहे हैं, बहुत सारी जो चीजें हो रही है, ये हमारी कनेक्टिविटी होती है लोअर वर्ल्ड से। वो जो एनर्जीज अपनी मैनिफेस्टेशन हमारी बॉडीज के थ्रू करती है, तो हमें उन सबसे जब पीछा छुटाना है ना, तो हमें अपनी वाइब्रेशन ही बहुत हाई करनी होती है। जब अपनी वाइब्रेशन हाई कर लेते हैं ना, तो जो लोअर एनर्जीज होती है हमारी एनर्जीज के अंदर कंफर्टेबल नहीं होती, वो छोड़ देती है। तो इसलिए आप अपने आत्मिक स्वरूप में आ जाते हैं। तो मैम इस क्रिस्टल को कैसे यूज किया जाए, मतलब हमेशा अपने पास रखें या इसको क्या? मैम की तो जरूरत नहीं होती ना, जैसे अभी आपने ये कर लिया तो आप इस स्टेट में बहुत टाइम तक रहेंगे, डिपेंडिंग अपॉन की आप अभी आपकी एनर्जी कितनी ज्यादा सोक हुई है इसको। तो जब भी आपको दोबारा फील होगा गेट कनेक्टेड टू इट, जब भी रिक्वायरमेंट तब हमको सिर्फ उसको कुछ अफर्मेशन देना है कि क्या किस तरह से हम उसको एक्टिव करेंगे। देखिए आपने हाँ अफर्मेशन से एक्टिव होता है क्लींजिंग, एनर्जाइजिंग एंड प्रोग्रामिंग, उसी से ही होता है। जैसे आपने ये मेडिटेशन किया है, मैंने आपको एक तरीका बता दिया, ठीक है, आप बैठिए, आप इस तरीके को फॉलो कीजिए, आप अपने आप स्टेबल हो जाएंगे। आपको ये मेडिटेशन नहीं करनी, जैसे बहुत लोग इसके ब्रेसलेट्स बहुत पसंद करते हैं, मैंने बिकॉज ये बहुत ब्यूटीफुल क्रिस्टल है, इसके ब्रेसलेट भी बहुत अच्छे लगते हैं, तो ब्रेसलेट तो कुछ लोग वो इसलिए बिकॉज वो सोचते हैं मैं क्या छोड़ू क्या पहनू, तो वो सबके सब एक साथ ही डाल देते हैं। ठीक है, तो इसीलिए कुछ भी मैम, कुछ भी, एनी वे, एनी क्रिएटिव वे यू कैन डू, आपके पास जो है, जो अवेलेबल हो सकता है, किसी चीज में रोक नहीं है कि सर यही करना है या वो करना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। एनी क्रिएटिव वे, जो अवेबिलिटी है सब उसके साथ रहिए। टम्बल है तो बी हैप्पी विद द टम्बल, पिरामिड है बी हैप्पी विद द पिरामिड, ब्रेसलेट है बी हैप्पी विद, व्हाट एवर यू आर हैविंग बी हैप्पी विद दैट। जी डॉक्टर ओनर, बहुत अच्छी सी एनर्जी आपके स्माइल फेस पे आ रही है। मैम बिल्कुल क्या बताऊं, बहुत अच्छा लग रहा है अंदर से ना मैम, बड़ा पीसफुल वाकई में महसूस कर रही हूँ, इतना तो पीस मैम पता नहीं कितने दिनों से महसूस नहीं किया मैम। सो दिस वाज तो मैं सबसे पहले तो मैम यहाँ पे और हार्ट पे मैम, वो जैसे मैम अपना जो चौकोर सिंबल बनता है ना मैम, रेड कलर में नहीं था लेकिन इट वॉज ऐसे स्पाइरल था पूरा, और यहाँ यहाँ यहाँ, एंड देयर वाज दिस डिगिंग सेंसेशन थी कुछ यहाँ तीन जगह, और फिर उसके बाद जब आपने क्राउन, हाँ, और जब आपने मैम क्राउन बोला था तो क्राउन पे वो इनिशियल एक पॉइंट पे, सेंटर नहीं था, एक पॉइंट पे कुछ डिगिंग हो रहा था मेरे पता नहीं क्या मैम, इट वाज जब आपने चक्र के लिए बोला तो वो कान के जो एरिया थे उसमें भी कुछ तो व्हाइट लाइट और कुछ तो वाइब्रेशन ही फील हुई बिल्कुल, एंड इस तरह का था। जब लास्ट जब आप वो फिर बीच में फिर वो व्हाइट लाइट और एक्सपेंशन वो भी बहुत मैम कुछ तो अमेजिंग था, आई कैन नॉट रिकलेक्ट वो क्या था बट कुछ था वो। जब लास्ट में आई कुड हियर योर वॉइस उसमें ये था कि तब यहाँ पे थोड़ी सी डिगिंग फील हुई, और उसके बाद आपने कहा ओपन द आईज, और मैम बहुत अच्छा लग रहा है उसके बाद, ये स्टेट है। राइट राइट
वंडरफुल एक्सपीरियंस मैम, बहुत अच्छा है। तो इससे हमारी साइकिक एबिलिटीज भी बहुत इंप्रूव होती है। तो अपनी आप सबको ही करनी है, हम सबको ही त्रिकालदर्शी बनना है। मेरा तो बचपन का सपना था, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सब मेरे सामने यूं आ जाए। हातिम ताई मूवी मेरी फेवरेट थी, वैसे बनना था, ये देख लू वो देख लू। तो दीज क्रिस्टल्स मेरे लिए ये ऐसे मैजिक थे, इनिशियली यही स्टार्ट था। लेकिन काफी कुछ हद तक सही बात भी थी, आप बहुत चीजें हमारी ओपन हो जाती है। तो जिन लोगों को एक्सपीरियंस होते हैं वो ही समझ पाते हैं, और धीरे धीरे आप इससे इनके साथ काम कीजिए तो आपको भी समझ आएगा। समझ सर आपके भी आया सर समझ में? जो आप इंटेंशन दे रहे थे क्रॉन चक्र से सोल पावर जो मेरे सोल को कनेक्ट कर रही थी, फिर बाद में स्टार्टिंग में ये आपने इंटेंशन दिया, उसके बाद आपने विशिद्ध चक्र से लेके थर्ड आई चक्र के लिए ट्रैवल करने के लिए बोला, बराबर है? बराबर है। चक्र से लेके विशुद्ध चक्र से करने के लिए बोला, फिर ब्रीदिंग लेने के लिए बोला, ब्रीदिंग छोड़ने के लिए बोला, बराबर है? ट्रैवल मैं महसूस कर रहा था, वो सब चीज मैं कर रहा था। और फिर जो लाइट जो आ रही थी क्रॉस चक्र से, वो वार्म लाइट थी, और जैसा जो अपना लिंग जैसा रहता है ना, शिवलिंग जैसा कैसा सोल रहता है, जो फेम रहता है वैसे आ रहे थे। और सेकंड फिर जो वो थर्ड आई चक्र के वासे है ना मैम, डार्क ब्लू कलर का सब वो स्प्रेड होने लगा, ऐसा स्प्रेड। सर आपके तो बहुत जल्दी ही एकदम से ग्रोथ हो गई, वेरी नाइस सर, यू आर इनटू इट, वेरी नाइस, वेरी गुड, बहुत डिवाइन एक्सपीरियंस रहा है आपका, वेरी गुड सर। तो मैम एक बात और मैं शेयर करना चाहूंगी कि आपने जब बोला कि तीनों ऊपर के चक्र या चारों चक्र जो भी थे अलाइनमेंट के लिए कि वो अलाइन हो रहे, मुझे तो सारे ही फील हुए नीचे से लेके ऊपर मैम, होते है बिल्कुल मैम आपकी, मतलब वो एक साथ, क्योंकि अलाइन जब ऊपर के होते हैं तो नीचे भी तो उसी लाइन में होते हैं ना, तो ठक 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 आपके सारे एक साथ आपको फील हो गए। और मुझे इतनी गर्मी लगी जबरदस्त, एक एनर्जी उस मोमेंट बर्स्ट ऑफ एनर्जी, हाँ बस बहुत जबरदस्त, बहुत अच्छा मैम, मतलब सभी का बहुत अच्छा हो रहा है।